नमस्कार आदाब, मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सबका स्वागत करता हूं। जो आपको मिलता है क्या वो हमेशा वही होता है जिसकी आपको तलाश होती है? ये केस है सतनाम सिंह और रश्मि के करीब आने का। आप यहीं रुक जाइए। कभी कभी आप जिस चीज को जहां खोज रहे होते हैं वो वहां नहीं मिलती, लेकिन अगर उसका मिलना आपके नसीब में होता है तो वो खुद ब खुद आपके पास चली आती। यार सतनाम पाजी को कोई नया ठेका मिला क्या? पता नहीं, कुछ होता तो हमें जरूर बताते। दो दिन से दिखे नहीं यार। पता नहीं यार, कुछ तो होगा कहीं। हाँ यार। प्रजा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पाजी। वो वीर जी कहाँ हैं? तीन दिन से कार नहीं आए। अरे पिछले तीन दिन से वो चौराहे पे भी नहीं आए। तुहानू की लगता है वो मुझे बता के जाते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? और अगर मैं किसी काम से बाहर चली जाती हूँ ना और मेरे पीछे से वो आ जाते हैं तो हजार सवाल करते हैं। चाय बना दूँ आपके लिए? नहीं परजाई जी, ठीक है मैं देखता हूँ। सतनाम पाजी आए थे क्या? महीनों हो गए उसे देखे, इस बीच शायद एक आध बार आया हो। तीन दिन से उनका कोई आता पता नहीं है जी। नहीं, पक्का यहाँ नहीं आया। ठीक है जी। चले ये देख, सतनाम पाजी की फोटो है। ये तो सतनाम वीर जी है। चल चल चल। ये मेरा भाई है सतनाम सिंह। हम इसका फोटो अखबार में दो दिन से छपवा रहे हैं। अब देखा तुमने? हमें 27 नवंबर को सुबह सुबह उसकी बॉडी मिली थी और आज 30 नवंबर हो चुकी है। हाईवे के पास एक खड्डे में उसकी लाश मिली थी।
सर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, कोई फोन वगैरह कुछ भी नहीं। मौत गला काटने की वजह से हुई है, हो सकता है एक से ज्यादा लोग शामिल हो। दोनों हाथों पर झड़प के निशान है, मतलब एक ने पीछे से पकड़ा हो और दूसरे ने गला काटा हो। मौत का वक्त 12 घंटे से ऊपर, कल रात 7 और 11 बजे के बीच। हमने हर पुलिस थाने में मिसिंग कंप्लेंट भेजी थी, एक भी नहीं मिली। बंदा घर से 3 दिन से गायब था, फैमिली का मेंबर। आपने कोई सुध नहीं ली, बंदा कहाँ गया, कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई? जी मैं हर जगह जाकर देखा, जहाँ जा वो जाते थे, लेकिन कहीं से भी कोई भी खबर नहीं मिली। आप उनकी घर वाली? हाँ जी, कई बार वो कई कई दिन तक घर वापस नहीं आते थे, काम की वजह से या किसी और वजह से पता नहीं, और कुछ बताते भी नहीं थे। मैंने नहीं सोचा था कि इस बार उनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। हमें लाश के पास कोई मोबाइल नहीं मिला, क्या वो मोबाइल रखते हैं? नंबर बताइए। पोस्टमार्टम के हिसाब से 26 नवंबर की रात को उनकी मौत हुई। आपसे आखिरी बार मुलाकात कब हुई? उसी दिन शाम को घर आए थे। उसके बाद वो कहाँ गए? मुझे नहीं पता, कुछ बता के नहीं कर। जब आप शाम को जाते हो ना तो सब कुछ बहुत खाली सा लगता है, आप यहीं रुक जाइए। यार से यार है ओ पुत्र, बड़ा चंगा लग रहा है, कहाँ जा रहा है? मैं माँ के साथ जा रहा हूँ। मैं अपनी सहेली की मेहंदी में जा रही हूँ बच्चों के साथ में, रात आते देर हो जाएगी। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो ना तो दूसरी चाबी लेके ही जाना, आजा चलो। मैं भी बाहर जा रहा हूँ, देर से लौटूंगा। टाटा पापा। टाटा बेटा। मैं देर रात अपनी सहेली की मेहंदी से वापस लौटी थी, लेकिन वो घर वापस नहीं आए थे। आप उनके सगे भाई हैं? जी छोटा भाई हूँ। वो कई दिनों तक घर से बाहर रहता था, क्या वजह थी? सिर्फ काम ही वजह थी या कोई घरेलू झगड़ा भी था? जी आपस में बनती नहीं थी वीर जी और परजाई जी की। आपको लगता है आपकी परजाई कुलजीत आपके भाई का कत्ल कर सकती है या करवा सकती है? जी कुछ कह नहीं सकते, दोनों की आपस में अनबन थी ये बात पक्की है। अनबन की वजह क्या थी? परजाई जी को लगता था कि वीर जी कम पैसा कमाते हैं और वीर जी को लगता था कि वो सिर्फ पैसे के पीछे पड़ी रहती थी। और लेकिन सतनाम को मारकर उसे कहां से पैसे मिलने वाले थे? पता नहीं जी। सतनाम के मरने से और किसको फायदा हो सकता है? जी वो मेरी तरह कारपेंटर ही थे, एक गरीब दिहाड़ी करने वाला मजदूर। मुझे नहीं लगता उनको मार के किसी को भी कोई भी फायदा हो सकता जी। जब वो घर नहीं लौटा तो तुम उसे ढूंढने के लिए कहां कहां गए? पहले उनके घर गया था जी, फिर दारू के ठेके पे गया था। वो शराब पीता था? जी हाँ, पीने लग गए थे बीच में, जब घर के झगड़े और रोज के खिच-खिच से वो ज्यादा परेशान हो गए थे। सर सतनाम के मोबाइल में जितने भी नंबर्स मिले सब उन्हीं लोगों के हैं जिनके साथ वो काम करता था, एक दो क्लाइंट्स के भी हैं पर ज्यादा नंबर्स नहीं है। आखिरी लोकेशन क्या है? हाईवे के पास। ये गरीब कारपेंटर को मारकर किसी को क्या फायदा हो सकता है?
उसे मार कर किसी को क्या फायदा हो सकता था। वो एक गरीब जिंदगी से परेशान आदमी था जिसे अचानक किसी का साथ मिलने से जरा सी खुशी नसीब हुई थी। उसे मारने वाली कहीं वही तो नहीं थी, लेकिन सतनाम को मारने से उसे क्या फायदा होने वाला था। साहब जी, उसका भाई चरण भी यहाँ आया था पूछने के लिए। उसे भी मैंने यही बताया था कि पहले सतनाम यहाँ लगातार आता था और शायद उस वक्त बहुत दुखी था वो सब। फिर बाद में उसने यहाँ आना बंद कर दिया। अभी काफ़ी टाइम से नहीं आया था। अचानक उसने आना बंद क्यों किया? अब मैं कैसे बताऊँ, हो सकता है उसकी तकलीफ कम हो गई हो या उसे ऐसी खुशी नसीब हो गई हो जो उसे अभी तक ना मिली हो। क्या वजह हो सकती है? वो अपनी बीवी से नाखुश था, क्या उसे कोई और औरत मिल गई? लेकिन सर, अगर कोई दूसरी औरत भी थी तो वो उसे क्यों मारेगी? हो सकता है उसकी परेशान बीवी इस दूसरी औरत के बारे में जानकर और परेशान हो गई हो। हो सकता है कि उनकी जिंदगी में कोई दूसरी आ गई हो। आपको ऐसा लगता था? मुझे शक तो था। आपने पूछा था उनसे कभी? पूछा था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कुछ कभी। कहीं तुम्हें कोई और तो नहीं मिल गई जो तुम्हें खुश रख रही है? क्यों भैया चाट रही है मेरा, शांति से सोने दे। उसने नहीं बताया फिर भी आपने शक क्यों किया? मेरे लिए ये समझना मुश्किल नहीं था, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे, हमेशा परेशान ही रहते थे। और फिर अचानक मैंने देखा कि वो बहुत खुश खुश रहने लगे। आप जानती हैं औरत कौन थी? मैं नहीं जानती, मैंने आपको बोला ना कि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। जी कोई थी, लेकिन पक्का नहीं कह सकता। जब पक्का नहीं था तो फिर शक करने की वजह क्या थी? बहुत टाइम से वो कुछ अलग अलग सा पेश आ रहे थे, महीनों दारू में डूबे रहते थे, काम धंधा मिलना लगभग बंद ही हो गया था, परेशान और दुखी सा घूमते रहते थे, उम्मीद करते थे सब ठीक हो जाएगा, और अचानक वो खुश रहने लगे। वो औरत कौन थी? राम, हमारे साथ काम करता है, उसने वीर जी को किसी औरत के साथ देखा था। ये वही औरत थी जो लगभग 2 महीने पहले आई थी, उसे कुछ फर्नीचर का काम करवाना था तो सतनाम भाई को अपने साथ काम पे ले गई। जी कुछ फर्नीचर का काम करवाना था, आप करोगे? चलिए ना। मतलब वो सतनाम की क्लाइंट थी? जी वो औरत सीधे वीर जी के पास गई थी। हाँ जी साहब जी, कई सारे लोग खड़े थे लेकिन वो औरत काम की बात करने सीधे सतनाम पाजी के पास गई और उनको काम के लिए अपने साथ ले गई। इतने सारे लोग खड़े थे लेकिन फिर भी वो सीधे सतनाम के पास गई? जी हो सकता है सतनाम को पहले से जानती है? जी ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ होता तो मुझे ज़रूर पता होता। आप लोगों के पास उसका कोई फ़ोन नंबर या आता पता है? नहीं जी, हमारे पास कोई फ़ोन नंबर नहीं है, वो सतनाम भाई अकेले ही गए थे, कोई बड़ा काम नहीं था शायद। क्या नाम था सौरभ का? कुछ नहीं पता हमें। कौन थी वो, क्या नाम था उसका, किसी को पता नहीं था। वो सीधी सतनाम के पास ही चली आई थी, अब वो मारा जा चुका था, वो एक अनजान औरत थी। ऐसा लग रहा था कि पुलिस की जांच अंधेरी गली में पहुंच गई है, कहीं कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। कहाँ जा रही है? अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। चल अंदर चल। बोला ना अंदर चल। सर, सतनाम की कॉल लिस्ट में हर किसी को फोन करके देख लिया पर उस औरत का कुछ पता नहीं चल रहा है। ये औरत पहली बनती जा रही है। सतनाम की 5 महीने की सेल लोकेशन क्या है? ये औरत इसे जुलाई में मिली थी। सर पिछले 4 महीने से सतनाम की लोकेशन घर के अलावा एक और जगह बार बार आ रही है, लगता है उसने वहाँ काफी वक्त बिताया है। वो जगह है गोविंद नगर। गोविंद नगर, हो
हो सकता है ये औरत वहीं कहीं रहती हो। सर सतनाम को कोई मिल गई थी जिसके साथ वो खुश रहने लगा था, लेकिन क्या कुलजीत को भी कोई मिल गया था? और कुलजीत सतनाम को रास्ते से हटा देना चाहती थी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो दोनों ही इस मामले में एक दूसरे के बीच में नहीं आ रहे थे। उनका झगड़ा तो पैसों को लेकर था। और सर पैसे तो सतनाम के पास थे ही नहीं, तो फिर उस दूसरी औरत को सतनाम को मारकर और क्या हासिल हो सकता था? साहब यहाँ 80 मकान हैं, जुलाई के महीने में किसके घर में फर्नीचर का काम हुआ हो ये बताना तो मुश्किल है। साहब हमको क्या पता, यहाँ गांव में रहने वाले लोगों से पूछो तो शायद पता चले आपको। B24 में पता कीजिए, वो यहाँ पीछे वाली गली में ही है। वहाँ एक नया किरायेदार आया था, फर्नीचर बनाने की आवाज भी आती रहती थी पहले। सर जी ये तो परमिंदर का घर है, वो तो ये 63 में रहती है जी। एक रश्मि नाम की औरत थी जिसने घर किराए पे लिया था। रश्मि कहाँ है वो? हफ्ते पहले ही चली गई। हफ्ते पहले मतलब 27 नवंबर को? जी वो बस 5 ही महीने रही थी यहाँ पे। जुलाई में मकान किराए पे लिए थे? जी हाँ। पूरे घर में कुछ भी सामान नहीं है। सर उसने फर्नीचर बनवाया और सतनाम के कत्ल के अगले ही दिन गायब हो गई। सर ये रहा रेंट एग्रीमेंट। ये तस्वीर उसकी? जी। और ये एड्रेस? उसने कहा था कि उसके पति से अलग होने से पहले वो उसके साथ यहीं पे रहती थी, परेशान थी बेचारी। फोन नंबर है उसका? जी हाँ है मेरे पास। साहब जी ये तो वही औरत है जिसको मैंने सतनाम भाजी के साथ होटल में देखा था। जी साहब ये वही औरत है जो उस दिन चौराहे पे आई थी और वीर जी को अपने साथ में लेके गई थी। जी कुछ फर्नीचर का काम करवाना था, आप करोगे? उस औरत का फोन डिस्कनेक्टेड है। कब से? काफी टाइम से। इसका मतलब है इस औरत ने जानबूझकर अपनी मकान मालकिन को वो नंबर दिया जो काफी देर से बंद था। दाल में कुछ काला है। एक काम करो इसकी कॉल डिटेल निकलवाओ, हो सकता है उससे कुछ सुराग मिले। सर मैं नहीं जानती इसे, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। यही है जो सतनाम को काम करवाने के लिए अपने घर ले गई थी, शायद यही वो औरत है जिससे सतनाम को खुशी मिल रही थी। लेकिन ये उसे मारेगी क्यों या मरवाएगी क्यों ये समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा ही एड्रेस है। आपका ये एड्रेस दिया है रश्मि कौर ने अपने रेंट एग्रीमेंट में और लिखा है कि ये उसके पति का घर है। साहब मैं किसी रश्मि कौर को नहीं जानता हूँ, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। मंजीत सर ये मेरी धर्मपत्नी है और मेरी सिर्फ इससे ही शादी हुई है। क्यों भैया जी? और कुछ नहीं, किसी और ने 400 भी सीखे, लेकिन तू चिंता मत कर। सर रेंट एग्रीमेंट में रश्मि ने फर्जी पता दिया। मुझे तो इसकी हर बात फर्जी लगती है। जिस महीने इसने मकान किराए पर लिया उसी महीने ये सतनाम से मिली। जिस दिन सतनाम की लाश मिली उससे अगले ही दिन इसने घर छोड़ दिया। इसका पति इसको छोड़कर चला गया, मुझे तो ये कहानी भी झूठी लगती है। लेकिन सर इसने इतना सब सिर्फ सतनाम को मारने के लिए किया। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे पास आए।
मैं भी। आपकी बीवी आप पे शक नहीं करती? शक तो करती है लेकिन परवाह नहीं करती। चलो कहीं चलते हैं। कहाँ? कहीं भी, कहीं बाहर। मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ आपके साथ। की हुआ भाई साहब? की चाहिए था आपनों? की चाहिए था भाई? अरे छोड़ दे मैनू। ऐसा क्यों हो रहा है रश्मि? रश्मि नाम है उसका। जी मुझे नहीं पता, मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, हर किसी का नंबर याद रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। नहीं मुझे याद नहीं है। 5 कॉल्स? हाँ आए होंगे, हो सकता है किसी सर्विस प्रोवाइडर्स का कॉल हो। जी नहीं मुझे ये नंबर याद। जी हाँ रश्मि कौर, रश्मि नाम है। जी हाँ रश्मि नाम है, रश्मि नाम है उसका। हाँ जी रश्मि नाम। सर रश्मि कौर ने जितने भी कॉल्स किए हैं उनमें से कोई भी उसे नहीं जानता। रश्मि को पंकज अच्छे से जानता है। ये पंकज है कौन और रश्मि को कैसे जानता है? पंकज जी साहब, साहब लेकिन साहब साहब रश्मि ने किया क्या है साहब? कॉल गर्ल, ये कॉल गर्ल रश्मि मिलेगी कहाँ? उसने किया क्या है साहब? मर्डर। क्या वो ऐसा नहीं कर सकती साहब? ये जो आंखें फाड़ फाड़ के रिएक्शन दे रहे ना, इसको अंदर रख और जो अंदर है उसको बाहर निकाल। बोल रश्मि कहाँ है? साहब मैं सच बताता हूँ, मैं रश्मि का एजेंट हूँ, लेकिन पिछले 10 दिनों से पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। मैं खुद परेशान हूँ कि ये चली कहाँ गई। वो धंधा नहीं करना चाहती क्या आप? हड्डी पसली तोड़ दूंगा तेरी। बोल रश्मि का। माँ का समसाब, मैं कुछ नहीं जानता। इसका मर्डर किया उसने? सतनाम सिंह कारपेंटर। सतनाम सिंह कारपेंटर, कुलजीत कौर का पति। तू जानता है उसे? हाँ बिल्कुल, रश्मि भी जानती है उसे, कुलजीत भी अच्छे से जानती है रश्मि को। कोई खुशी नहीं थी, यह खुद चल के सतनाम के पास आई थी और ना ही किस्मत थी, वो एक साजिश थी, एक चाल था। अभी क्या बोल रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
हम समझा देते हैं। वो औरत जो सीधे चलकर तुम्हारे पति के पास आई थी, वो कोई क्लाइंट नहीं थी। जिसका काम तुम्हारे पति ने किया था, क्लाइंट तुम थे, जिसके लिए रश्मि ने सारे काम को अंजाम दिया था। शक तो हमें पहले से ही था, लेकिन इस दूसरी औरत के एंगल ने हमें भटका दिया था, और इसे भटकाने में रश्मि ने बड़ा अच्छा काम किया था। इनफैक्ट तुमने रश्मि से बड़ा अच्छा काम करवाया। सतनाम नाखुश था, रश्मि उसकी नाखुशी की वजह जानती थी, और तुमने सतनाम को इसी खुशी और नाखुशी के जाल में फंसाकर मरवा डाला। बहुत खुश है वो मेरे साथ। 26 नवंबर को अपनी सहेली की मेहंदी पे जा रही हूँ मैं, रात को 11:30 बजे तक लौटूंगी। वो मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए तरसने लगा है, मैं उसे घर बुला लूंगी। फिर तुम्हारा बाहर जाने का मन करेगा, उसे हाईवे की तरफ ले जाना। नदी का पुल पार करके एक मैदान है, खुला आसमान है, खुली हवा है, खुली हवा का बहुत शौक है उसे। ठीक है, बाकी का इंतजाम मैंने कर लिया, दो लोग तैयार हैं। ठीक है। रश्मि सतनाम को लेकर बाहर गई, जहां दो लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। वो दो लोग कौन थे? होशियार से और प्रकाश से। मैंने उन दोनों को सुपारी दी थी, वो दोनों पहले भी ऐसा काम कर चुके हैं। तुमने अपने पति को मरवाने के लिए तो हिस्ट्री शीटर्स को सुपारी दी, उसे जाल में फंसाने के लिए रश्मि को हायर किया। तुम और रश्मि एक दूसरे को पहले से जानते थे? इस साजिश को पहले से रचा गया? नहीं, उससे तो मैं सिर्फ 6 महीने पहले ही मिली थी। तो यह साजिश 6 महीने पहले रची गई? तब तो मैं उसे सिर्फ देखती रहती थी, उसके पास वो सब कुछ था जो मैं हासिल करना चाहती थी, जिसके मैं काब देखा करती थी। एलीजे, आपके पति बड़े अमीर होंगे ना? जी नहीं, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। तो फिर ना आपके बाबूजी बड़े अमीर होंगे। जी नहीं, मैं तो अकेली रहती हूँ। मैं ना आपको रोज देखती हूँ, अच्छे अच्छे गहने पहने, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, तो इन सब के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? मैं खुद कमाती हूँ। मुझे उसकी हर चीज पसंद थी, मुझे भी वो सब पाने की इच्छा होती थी, मगर मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मैं उससे पूछती रहती थी, मुझे भी बहुत पैसे कमाने थे, और फिर एक दिन उसने मुझे बताया। तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं आएगा। तुम बता दो ना, मुझे ना पैसे कमाने हैं बस। मेरा पति तो दिहाड़ी का मजदूर है, घर में कभी पैसा पूरा ही नहीं पड़ता। तुम्हें ये सही नहीं लगेगा। तुम बताओ तो सही, सही गलत मैं खुद देख लूंगी। मैं एक कॉलगर्ल हूँ, एक एजेंट है जो मेरे लिए कस्टमर लाता है। उन्हें मेरा शरीर चाहिए जिससे उन्हें खुशी मिलती है। मुझे पैसा चाहिए जिससे मुझे एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी मिलती है। हम
कभी भी खुश नहीं थे। ऐसी बहुत सी चीजें थी जो मैं खरीदना चाहती थी। मैं हमेशा एक अच्छी जिंदगी के सपने देखा करती थी। जो चाहिए ना वो सब खरीद लूंगी, और जो नहीं चाहिए ना वो भी खरीद लूंगी। एक राजकुमारी को किस बात की फिक्र रज्जो? लेकिन वो कोई घोड़े पे सवार राजकुमार नहीं था। वो एक गरीब आदमी था, बहुत दुखी था, फिर भी उसने ऐसा कभी नहीं सोचा कि अपनी खुशी के लिए तुम्हें रास्ते से हटा दे। वो जो मुझे चाहिए था वो तो दिला नहीं सकता था, लेकिन जो मैं खुद हासिल करना चाहती थी उसने रास्ते का रोड़ा बन जाता। मेरा दिन सच समझ के स्कूटी से घूमती रहती, पता नहीं कहाँ जाती है, और कोई बंदा दिखता है तो बोलती है उधार चुका रहा था। अब मेरे पे शक कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? वो मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहा था। आ जा रही है? अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। चल अंदर चल। मैं उसे कैसे बताती कि वो लोग मेरे दोस्त नहीं थे, बल्कि उनसे तो मेरी कमाई हो रही थी। उनके साथ वक्त गुजारने के वो मुझे पैसे देते थे, ये बात एक पत्नी अपने पति से कैसे कह सकती? लेकिन एक पत्नी अपने पति की जान ले सकती है ताकि वो उसके धंधे के बीच में ना आए। हाँ, वो वैसे भी अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला था। हम दोनों ना खुश थे, और मैं जो खुशी हासिल करने की कोशिश कर रही थी ना वो मुझे हासिल करने दे रहा था, और ना। और तुम्हें क्या लगा उसे मारकर तुम्हें तुम्हारी खुशियां वापस मिल जाएंगी? तुम उसे मार दोगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, उसके बाद तुम अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार पाओगी। तुम चाहती तो उसे छोड़ देती, फिर जैसे मर्जी अपनी जिंदगी गुजारती, खुद भी जीती और उसे भी जीने देती। सुख की तलाश में तुमने अपने पति की जान लेकर अपनी जिंदगी को और भी दुखी कर लिया। कत्ल में कुलजीत के दोनों साथी होशियार सिंह और प्रकाश सिंह एक हफ्ते बाद पकड़े गए। तीनों आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं। इन पर कत्ल के लिए दफा 302, सबूत मिटाने के लिए दफा 201 और साजिश के लिए दफा 120 बी लगाई गई है। सतनाम को फंसाने के लिए कुलजीत ने जिस औरत रश्मि को हायर किया था वो अभी तक फरार है। कुलजीत के बच्चों की देखभाल सतनाम के भाई बहन कर रहे हैं। सतनाम के हालात ने उसकी खुशियों की तलाश को एक रूप दिया, और कुलजीत की हकीकत से दूर भागने की चाहत ने उसकी खुशियों की तलाश को अपना एक अलग रूप दिया। कुलजीत ने सतनाम का कत्ल करवा के बहुत गलत किया। क्राइम नेवर पेस, जुर्म से कभी किसी का कोई फायदा नहीं होता। वो गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे, वो चीजें नहीं थी जिनके वो सपने देखते थे, जिन्हें वो पाना चाहते थे। ये था उनके दुख का कारण। अक्सर लोगों के दुख का कारण यही होता है। जब हमें लगता है कि हम इतना ही हासिल कर सकते हैं और हमारे हालात से बाहर निकलने का और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर दूसरी तरह से सोचा जाए तो क्या पैसे सारे दुख और तकलीफ दूर कर सकते हैं? क्या पैसे खुशियों की गारंटी होते हैं? शायद होते हों। शायद उनके पास पहले से ही अगर काफी कुछ होता या मिल जाता तब भी शायद उनकी उससे और ज्यादा पाने की इच्छा कम नहीं होती। पर क्या सिर्फ पैसों से खुशियां आती हैं? शायद किसी ने ठीक ही कहा है, जरूरत के मुताबिक चलो, इच्छाओं के मुताबिक नहीं। क्योंकि जरूरतें तो एक फकीर की भी पूरी हो जाती हैं, और इच्छाएं बड़े बड़े बादशाहों की अधूरी रह जाती हैं। गरीबी कोई किस्मत का लेखा नहीं, और ना ही ये कोई दिमाग की उपज है। ये इंसान का बनाया फर्क है, इंसान द्वारा खड़ी की गई मुसीबत है, जिसमें कुछ लोगों के पास मौकों की भरमार है, वो जो चाहे हासिल कर सकते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोगों को मौका ही नहीं मिलता, ना चाहते हुए भी हालात से समझौता करना पड़ता है। ये कोई दौलत के बराबर बंटवारे की समाजवादी सोच की बात नहीं है, ये बात है बराबरी के मौकों, तरक्की और उम्मीद की। ये बात है समाज के हर तबके के इंसान को बराबर मौका देने की, जिससे वो सपने देख सके, तरक्की कर सके और पैसा कमा सके। ये बात है खैरात की रेवड़ियां बांटने वाली सतही योजनाओं की, जो गरीबों को गरीब ही रहने देती हैं। ये बात गरीबों को दी जाती फिलॉसफी, जितनी चादर उतने पैर पसारों की नहीं है, बल्कि उन्हें आसमान में उड़ान भरने की सोच और ताकत देने की है, जो कि उनका हक है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सपने देखें, तरक्की करने की सोचें, लेकिन जरूर याद रखें कि ये सब कुछ किसी की जान लेकर पूरा नहीं हो सकता। जय हिंद।